आपका स्वागत करते हैं आरपीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो डीएफएन आज बात करेंगे बिहार की नई भर्ती के बारे में, जो कि नहीं होने वाली है। प्रूफ के साथ आप लोगों को बतलाएंगे यहाँ पे। जैसा कि आप मॉर्निंग पे आप लोगों को बताए थे कि 21 से 36 पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंटर ऑपरेटर की जो है भर्ती होने वाली है अंचलों में, ठीक है। तो आप लोग को बता दें, हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे आप लोग को कि ये भर्ती नहीं होगी, 100% प्रूफ के साथ बताए थे। आप लोग जो जाके वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो में आप लोग को शॉर्टकट तरीके से बताएंगे। तो ये वीडियो को आप लोग कंटिन्यू पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को हकीकत का पता चले, ठीक है। तो आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं ऑफिशियल न्यूज़ नोटिस में और आप लोग को बताते हैं किस प्रकार ये भर्ती अभी नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज ही का लेटेस्ट अपडेट जो ये आ रही थी कि अंचलों में जो है 21 से 36 कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे नियुक्त, ठीक है। इसी तरह और एक न्यूज़ में देख पाएंगे 21 से 36 डाटा एंट्री ऑपरेटर की होगी बहाली। इसी तरह और देख पाएंगे अंचलों में जो है जल्द काम करने लगेगा मॉडर्न रिकॉर्ड, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग को बताना चाहेंगे, देख पाएंगे यहाँ पे 21 से 36 इसी के बारे में चर्चा किया गया है। तो अभी जो है और एक न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे अंचलों में बहाल होंगे 21 से 36 डाटा ऑपरेटर। इसी तरह आप लोग को बताना चाहेंगे और देख पाएंगे अंचल कार्यालय में जो है 21 से 36 कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल होंगे। अलग अलग 5 न्यूज़ के माध्यम से आज जानकारी निकल के आई है। तो सुबह भी आप लोग को अच्छे तरीके से बताए थे, लेकिन वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देखे थे और कमेंट कर रहे थे इसका लिंक दीजिए, ये जो है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ATC, बहुत कुछ जो कमेंट आए थे उसके तत्पश्चात हमने आप लोग को वीडियो बनाना जरूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग इसको भर्ती मान रहे हैं, लेकिन न्यू भर्ती नहीं है ये, आप लोग का नियुक्ति होगी यानी कि पोस्टिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार वो भी आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग यहाँ पर साफ साफ सबसे पहले बता दें, ये जो न्यूज़ है यहाँ पर बताएंगे अंचलों में जल्द जो है काम करने लगेगा मॉडर्न रिकॉर्ड रूम। तो अभी जो है मॉडर्न डे जो है रिकॉर्ड रूम आप लोग का तैयार किया जा रहा है, ठीक है। उसके तत्पश्चात आप लोग को बता दे, अभी आप लोग का जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ठीक है, देख पाएंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से ये आप लोग का अभी नियुक्ति किया जाना है, जो कि आप लोग को बता दे ये जो आप लोग का LRC डिपार्टमेंट की ओर से आप लोग का नियुक्ति होने वाली है, जो कि अंचलों में। तो बता दें आप लोग को एक जो है अंचल में 4 जो है कंप्यूटर व 4 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर आप लोग का नियुक्त होने वाली है, ठीक है। इसी तरह प्रूफ के साथ आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो जानकारी मिल रही है कुछ इस प्रकार से, 21 से 36 डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो है नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इन पदों को जो है बेल्ट्रॉन, देख पाएंगे इन पदों को जो है बेल्ट्रॉन या फिर वह एजेंसी से भरा जाएगा। तो अभी जो है अंचलों में आप लोग का बहाली होने वाला है, भर्ती आप लोग का होने वाली है, यानी कि नियुक्ति जो होने वाली है वो बेल्ट्रॉन के माध्यम से लिया जाएगा या फिर अलग से कोई एजेंसी जो है उसके माध्यम से उनको भर्ती किया जाएगा। यानी कि साफ साफ तौर पे आप लोग को बता दें, जो लोग एग्जामिनेशन अभी टाइपिंग टेस्ट का बेल्ट्रॉन का दे रहे हैं या फिर जो लोग का जो है मेरिट पर नाम आ चुका है पिछले वर्ष का, जो लोग वेटिंग पे है उन सभी को जो है यहाँ पर भर्ती नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है। ये राजस्व आप लोग का LRC डिपार्टमेंट में किया जाएगा अंचलों में। तो ये अपडेट है, ये नई भर्ती नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसमें वीडियो बना चुके हैं, आप लोग को बौखला रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ ना बौखले यहाँ पे आप लोग को। इसलिए हमने 5 अलग अलग न्यूज़ से आज जो है यहाँ पर कटिंग किए हैं आप लोग को यहाँ पर बताने के लिए। तो आप लोग को बता दें, अगर आप लोग भी इस न्यूज़ नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे जो है फेसबुक पेज में चले जाए, हमने हर एक न्यूज़ का कटिंग दे दिया, वहाँ से आप लोग लेके इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं आसानी से और शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो आप को हेल्पफुल लगा होता तो आप लोग जो है लाइक जरूर कीजिएगा और आपके मन की बात लिखिएगा वीडियो किस प्रकार से लगी है। तो डियर फ्रेंड्स, यही था अपडेट, मिलेंगे बिहार की और एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।